नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक ठाक? गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जबरदस्त टॉपिक जो क्लास 10 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर करना भी ना भूलें। ठीक है, और आप इस कंटेंट को भूलोगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन के बेसिस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको सारी चीज़ों को पता चलेगा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा देखते हैं, लास्ट पॉइंट तक देखते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है मैंने लिखा है, यहाँ पर ये एक्चुअली में आपका क्या है, त्रिगोनो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे त्रिगोनोमेट्रिक, है ना। त्रिगोनोमेट्रिक क्या हो जाएगा, यहाँ पर आइडेंटिटीज हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटीज हो जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिटीज में यहाँ पर जितने बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, यानी जो भी आइडेंटिटी होगा यहाँ पर यूज़ करेंगे, इसलिए वहाँ पे आइडेंटिटीज को वर्ड में यूटिलाइज किया। वैसे भी आपको मालूम होगा, ठीक है, एक से ज़्यादा होगा तो आइडेंटिटीज तो होगा ही यहाँ पर। लेकिन बात यह है कि साइन स्क्वायर थीटा है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। ठीक है, दोनों यानी कि जो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, वो वैल्यू वन हो जाएगा। कैसे ये वन होगा, ये एक आइडेंटिटीज हो जाता है। ठीक है, आपको मैंने आपको बताया कि कैसे वन होगा, तो यहाँ पर सेम एंगल में जब थीटा यहाँ पर होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो सेम एंगल है, दोनों पे जो सेम एंगल लेंगे, यहाँ पर ये यहाँ पर और यहाँ पे दोनों सेम एंगल में स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू वन आ जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल देकर बताता हूँ आपको। जैसे आप सपोज करो कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो गया और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर का वैल्यू आपको पता होगा 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा, √3/2 मिलेगा। तो यहाँ पे 1/2 है तो 1/4 हो गया, प्लस यहाँ पर 3/4 हो गया। ठीक है, 3 + 1/4 हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, यानी वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना मिलेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो पता चल गया होगा यहाँ पर 1 कैसे होगा, सो साइन स्क्वायर 30 डिग्री हो गया, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हो गया, यानी कि सेम एंगल में जब होगा तो वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब हो जाता है कि जो थीटा का जो एंगल होगा, है ना, दोनों में थीटा थीटा है, तो यानी कि सेम एंगल अगर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा, तो वैल्यू 1 हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ देखते हो, साइन स्क्वायर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर अगर यहाँ पर बीटा हो गया, तो कभी भी वैल्यू इसके 1 के बराबर नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि दोनों अलग अलग एंगल्स में, ठीक है, दोनों अलग अलग एंगल्स में अगर ऐड करोगे इसको, और वो भी इस तरह से, तो कभी भी वैल्यू 1 नहीं आएगा। आप खुद जोड़ के देख सकते हैं, यहाँ पर अगर 60 डिग्री कर देते हैं इसको, यहाँ पर 30 और 60 डिग्री कर देते हैं, तो समझ में आ जाता वहाँ पर क्या होगा सब। तो इस तरह से क्वेश्चन है। आपने इससे पहले भी जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, उसके बाद जो कुछ समय स्पेसिफिक एंगल था, उस पर आपने क्वेश्चन बनाया होगा, तो आपको इसका मालूम चला होगा। तो फिर भी मैं इस जो कंटेंट बना रहा हूँ इस पर, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे, मैं क्या करूँगा, इसके डिस्क्रिप्शन में जो नेक्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के स्पेसिफिक एंगल्स के और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो बना है, उसका जो लिंक है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसमें। तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि मेरा कहने का क्या मतलब था। अब यहाँ पर ये चीज तो पता चल गया कि हमारा यहाँ पर कि क्या हुआ यहाँ पर कि साइन, ये तो समझ में आ गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया, या यहाँ पर हम ए बोल दिए और कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ये समझ में आ गया। अब दूसरी बात है कि इसी से ही हम और को बना सकते हैं, यानी अगर यहाँ पर साइन से डिवाइड करोगे, साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे आप, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको कितना, ये मिलेगा कितना, साइन स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगा सर, देख लो, यहाँ साइन से साइन कट गया, 1 बचेगा, और ये कॉस बाई साइन है तो क्या मिलेगा आपको, कॉस बाई साइन
कॉट हो जाता है, यानी कि कॉट स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि साइन ए का जो रिवर्स फंक्शन होता है वो कॉसेक होता है, तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पर जब मिलेगा वैल्यू क्या मिलेगा, वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना, तो इसके बराबर वैल्यू वन मिलेगा। इस चीज को याद रखना है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाता है, वन हो जाता है। तो ध्यान रखना इस चीज को कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। तो समझने की जरूरत है कि आपको कैसे इस क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा इसमें। तो इसमें ये चीज मालूम चल गया यहाँ पर कि अगर ऐसा आइडेंटिटीज कहीं पर लिखा हो कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो वन हो जाएगा। तो याद रखना, यानी इसी से आया, आपने साइन से डिवाइड किया, अब मैं कॉस से देता हूँ। ठीक है, तो कॉस से देता हूँ यहाँ पर, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन ऐसा रहे जैसे साइन हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू वन हो गया, तो मैं इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए हो गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए हो गया, तो वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ से आपको कैंसिल होकर के टैन मिलेगा, टैन स्क्वायर ए हो गया और प्लस यहाँ पर वन हो गया, और यहाँ क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर हो गया। ठीक है, यानी ये आपका आइडेंटिटीज हो गया, भरले से ये आपको यूज होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में दोस्तों। ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अधिकतर जगह मेजोरिटी की जगह पर ये चीज को यूटिलाइज किया जाता है, इसलिए ध्यान रखना होता है। यानी वन बराबर आपको क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए हो जाएगा। ध्यान रखने की जरूरत है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये सब चीज तो समझ में आ गया कि किसका किसका वैल्यू आपको वन मिला। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, इस इतना तो समझने के बाद अब उनको एक चीज का रियलाइज करवाना जरूरी है कि इसमें ये आइडेंटिटीज को यूज करने के बाद भी कोई और आइडेंटिटीज यूज होता है, आप सोचिए। तो बिल्कुल यूज होता है उसमें, अब कौन कौन सा होता है, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में जितना आपको मिला होगा वो सारे यूटिलाइज होंगे। यानी जो अलजेब्रिक, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का पूरा सेटअप बना कर रखे रहिए अपने पास में, है ना, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जो आइडेंटिटीज हो गया यहाँ पर, तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज हो गया जितना आपको फॉर्मुलेशन इसमें आइडेंटिटीज होता है उन सबको आप एक लिस्ट बना कर रखे रहो, आपके जब भी क्वेश्चन बनाओ तो मैं उसके सामने रखे रहो और उसके बनाने को शुरू कर दो। तो ऐसे भी मैं आपको बताऊंगा उसमें कैसे उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको देखेंगे उसको क्वेश्चंस को, कि कैसे आप समझ लोगे कि हाँ ये हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है। ठीक है, तो कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो क्वेश्चन जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको इसका लिस्ट जो है ना बना लेना है दोस्तों। ठीक है, बनाने के बाद उसके बाद हम क्वेश्चन पे जब टूटेंगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ वाकई में उसका यूज इसमें होता है। ठीक है, तो चाहे वो क्यूब के फॉर्म में हो, जो बाइनोमियल टर्म है उसका क्यूब निकालना हो, या बाइनोमियल टर्म हो उसका स्क्वायर निकालना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये बाइनोमियल है टर्म है, इसका स्क्वायर निकालना है। फिर यहाँ पर जो है बाइनोमियल टर्म का क्यूब निकालो, ठीक ऐसा भी हो जाएगा। उसके बाद है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये भी होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी होगा। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे ए क्यूब माइनस ए क्यूब ये भी हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये भी आपका हो जाएगा। तो ढेर सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको बनाने की आपको जरूरत है। ठीक है, तो इस चीज को भी समझने की जरूरत है कि हाँ यहाँ पर कैसे हम अपने दिमाग में ये चल रहा होगा कि सब बता रहे हैं इस चीज को, तो कैसे बता रहे हैं। एक्चुअली ये एक्सपीरियंस भी होता है, अगर आप कोई भी चीज में वर्क करो वर्कआउट करते हो तो देन आप बोलते नहीं, आपका एनर्जी जो होता है वो उस जो वर्किंग एरिया होता है उसी से यूज करके आपको बोलने के लिए भी बस। ठीक है, तो ऐसा होता है, इसलिए अगर आप सोच रहे होंगे तो होपली आपके लाइक बटन पर जरूर जाएगा और शेयर भी अपने दोस्तों को भी करोगे। ठीक है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहें, लोगों को रीड कर देंगे तभी इस तरह से आपको और भी चीज़ों को समझ में आएगा और आगे भी आने वाले वीडियो को आप कैसे मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया, अब किसी को रियलाइज तो हो गया कि हम कैसे कैसे ये सब। ठीक है।
बात में तो मैं जो है तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिस मैंने बताया, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बताया, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये भी है दोनों को यूटिलाइज करके आप क्वेश्चन को ऐसे बनाए, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका सॉल्यूशन पे हम लोग देखेंगे, और ध्यान देने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।